खरगोन जिला मुख्यालय पर भाजपा ने घंटानाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार को नपुंसक बताते हुए भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार बताया। हम आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकाल के बाद चुनावी दंगल में कांग्रेस ने वचन पत्र के माध्यम से अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन बहुत सी योजनाएं बंद होने के साथ आज तक किसानों का 2 लाख कर्ज माफी नहीं हुआ है। इसी को लेकर जिला भाजपा कार्यकारिणी ने आज खरगोन के जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। इस कलेक्टर कार्यालय का घेराव करके खरगोन के पूर्व प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने कांग्रेस सरकार को निकम्मी नपुंसक सरकार बताया और मीडिया से चर्चा में इस बात का खुलासा किया कि घंटानाद आंदोलन के आगाज के बाद अब जल्द ही कमलनाथ की इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 160 रुपया दे जो वादा किया था सरकार बनाने का 2 लाख, वो आज तक क्यों नहीं दिया, हमें उस चीज का जवाब चाहिए। क्या लगता है मंत्री जो है गुटबाजी में उलझे सरकार चला? देखिए, ये पूरी की पूरी सरकार नपुंसक सिद्ध हो चुकी है। ये नपुंसकों की सरकार जनता के हित में नाकामयाब हो चुकी है। हम इसको जगाने का काम करने आए मित्रों। पूरी तरीके से नकारा और फेल सरकार इस कांग्रेस सरकार को जब तक हटेगी नहीं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर चुप बैठने वाला नहीं है। कब तक गिर जाएगी सरकार करके इस बेईमान और भ्रष्ट सरकार? ये सरकार कब तक गिर जाएगी? मैंने आपको कहा ना कि प्रजातंत्र में कोई भी स्थायी नहीं। अगर कोई बेईमानी से काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं जो ऊपर है वो नीचे आता है, जो नीचे है वो ऊपर जाता है। आप खुद देख सकते हैं। और हम सब लोग मिलकर के ऊपर वाले से भी दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस सरकार को हटाने में हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।